A very good morning, dear students. Hope you all are fine. Dear students, today our topic is shapes and space, class 2nd subject maths. तो पहला क्वेश्चन जैसे बच्चों आपका है, draw straight lines. आपने straight lines draw करनी है. तो straight lines are of 3 types. जो straight lines होती हैं बच्चों, वो 3 types की होती हैं. कितने types की होती हैं? वो 3 types की. जैसे पहली standing line और vertical line. जैसे पहली होती है standing line और vertical line भी कहते हैं हम उसे. Second वाली है बच्चों आपके पास sleeping line. Sleeping line. देखिए standing line और vertical line जैसे ये है. ये आप देख रहे होंगे standing line इसे कहते हैं. तो sleeping line और horizontal line. Sleeping line दूसरी हमारे पास sleeping line और horizontal line. Sleeping line बच्चों ऐसे होती है. ये देख रहे होंगे आप ऐसे. तीसरी होती है slanting line. Slanting line. Slanting line ऐसे होती है. ऐसे ऐसे ठीक है. तो जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं. कौन कौन सी टाइप की? स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्लांटिंग लाइन. स्टैंडिंग लाइन को हम वर्टिकल लाइन भी कहते हैं, स्लीपिंग लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं, और तीसरी हमारे पास स्लांटिंग लाइन. ऐसे ही बच्चों आप, मैं आपको बताती हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ड्रा कर्वड. ठीक है, आपको ऐसे कर्वड ड्रा करने हैं. जैसे यहाँ पे ड्रा की है मैंने ऐसे, इसे हम बोलते हैं कर्वड लाइन. ठीक है बच्चों, तो ऐसे आपका थर्ड वाला पार्ट है, ड्रा एंड डिफाइन प्लेन शेप्स. आपने प्लेन शेप्स को ड्रा करना हो और डिफाइन करना है. जैसे पहली हमने स्क्वायर ली है, स्क्वायर शेप. जो स्क्वायर शेप होती है बच्चों, उसके चारों साइड्स बराबर होते हैं. स्क्वायर हैज़ 4 कॉर्नर्स. जो स्क्वायर शेप होता है उसके 4 कॉर्नर्स होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4. एंड 4 इक्वल साइड्स, और इसके 4 इक्वल साइड्स होते हैं, बराबर 4 इक्वल साइड्स होते हैं. ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है. तो जो स्क्वायर होता है उसके 4 कॉर्नर्स होते हैं और 4 इक्वल साइड्स होते हैं स्क्वायर की. ऐसे ही बच्चों रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल इस शेप में होता है. रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो बराबर होते हैं. जैसे ये दो आप देख रहे होंगे, ये दो साइड्स बराबर होंगे और ये दो साइड्स बराबर होंगे. तो यहाँ पे क्या लिखा है, रेक्टेंगल हैज़ 4 कॉर्नर्स. रेक्टेंगल जो होता है उसके भी 4 कॉर्नर्स होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड 4 साइड्स, और इसके भी 4 साइड्स होते हैं. देख रहे होंगे आप, द अपोजिट साइड्स आर इक्वल. लेकिन जो इसके अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. जैसे ये दो अपोजिट्स हैं, ये दो बराबर हैं, ये दो अपोजिट्स हैं, ये दो भी इक्वल होंगे. तो बच्चों आज हमने इसके बारे में पढ़ा, शेप्स एंड स्पेस के बारे में पढ़ा, लाइंस के बारे में पढ़ा. आई होप ये आपको अंडरस्टूड हुआ होगा. ये आप अपनी कॉपी पे साफ साफ नोट डाउन करना और लर्न भी करना, अच्छी अच्छी से ये डायग्राम्स भी बनाना, स्क्वायर शेप, रेक्टेंगल और ये लाइंस भी ड्रा करना. ठीक है, ओके, टेक केयर.